असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर फोर एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ हज़रत हज़रत हज़रतम रजी तन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज़ क्लोज कम्पानियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तन माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना इन द ईयर सिक्स हंड्रड ट्वेंटी टू ए डी रसूल सल वसलम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर अबूबकर रज़ील तन ने मक् से मदीना की तरफ छः सौ बाईस ईस्वी में हिजरत फरमाई माइग्रेट हिजरत फरमाई क्लोज़ कम्पेनियन करीबी साथी वन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक् केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल वसलम एंड हिज़ क्लोज कम्पेन हज़रत अबूबकर रज त दे गॉट फ्यूरियस जब मक् के मुख्तलफ़ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्ह वसलम और उनके करीबी साथी हज़रत अबूबकर रज़ील तह की हिजरत का पता चला तो वो गज़बनाक हो गए फ्यूरियस ग़बनाक या बहुत ज़्यादा गुस्से में चीफ़ सरदार वेरियस ट्राइब्स मुख्तलिफ कबीले ऑफ़ मक् मक् केम टू नो यानी जब उनको पता चला या इल्म हुआ माइग्रेशन, हिजरत, ये काफ़ी लंबी लाइन है मैं इसलिए इसको दोबारा से ट्रांसलेट कर रही हूँ जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्हु वसम और उनके करीबी साथी हज़रतुबकर तौर हजरत का पता चला तो वो गज़बनाक हो गए द चीफ्स वर डिटर्मेंट मोर दैन एवर टू फाइंड दम आउट वो सरदार उन्हें तलाश करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरजु थे डिटरमेंट पुरजु थे फाइंड आउट तलाश करना दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स एंड बाउंडीज़ फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव उन्होंने उनके जिंदा या मुर्दा गिरफ़्तारी के लिए बहुत से इनामात और तहाइफ की पेशकश की ऑफर्ड पेशकश की ह्यूज रिवॉर्ड्स बड़े इनाम एंड बाउंटीज और, और तहाइफ कैप्चर गिरफ्तारी डेड और अलाइव ज़िंदा या मुर्दा उन्होंने उनकी ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तारी के लिए बड़े बड़े इनाम और तहाइफ की पेशकश की द पिप्रेशन फ़ॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट दाउस ऑफ हजरत अबू बकर रजील्ला इस सफ़र की तैयारी हजरत अबूबकर के घर पर की गई प्रपरीशन तैयारी जर्नी सफर हजरत असम रजील्ल तह रेंडर्ड यूजफुल सर्विसज इन दिस रिगार्ड हजरत असम रजील्ल्ल तह ने इस सिलसिले में मुफीद खदम्त पेश पेश की यूजफुल मुफीद या कार आमद सर्विस इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में इस सिलसिले में हज़रतम रजी अल्लाह तह ने कार खदम पेश की। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया शी टाइड द फूड ऑन कैमल बैग विद हर ओन बेल्ट उन्होंने ऊँट की कमर पर अपनी अपने कमर बंद से खाने को बांधा एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड जैसा कि कोई और चीज़ मौजूद नहीं थी जैसा कि कोई और चीज़ मौजूद नहीं थी उन्होंने अपने कमरबंद से ऊंट की कमर पर ख़ुराक को बांधा फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ात बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इन इस ख़िदमत के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुलनात का लकब दिया खिताब दिया डूरिंग देरीलस जर्नी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्टॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत महम्मद सल वसलम इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान रसूल हज़रत महम्मद सल वसलम तक का खुराक पहुँचाना किसी के लिए भी एक मुश्किल काम था पेरीलस ख़रनाक या पुरख़त डिफ़िकल्टॉर एनी वन किसी के लिए भी मुश्किल था सप्लाई मुहैया करना या फ़राम करना फूड खुराक सिचुएशन वॉज सो डेलीकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक वै इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ़ द रसूल सल वसम सूरत हाल इस कदर नाजुक थी कि एक मामूली सी गलती भी रसूल सल वसम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडर टेकन बाई हजरत अस्म द दाटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ये बहुत बड़ा काम हजरत अबू बकर सिद्दीक अबूबकर की बेटी हजरत असम रजी तना ने बखूबी सर अंजाम दिया ग्रैंड टास्क बड़ा काम या मुश्किल काम एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड हर रात खुराक की गठड़ी लेकर शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स हर रात वो ना हमवार पहाड़ियों में जाने का खतरा मोल लेती क्वाइटली खामोशी से खामोशी से ना हमवार पहाड़ियों की तरफ जाने का खतरा मोल लेती इन विच ले द केव ऑफ सूर जिन में वारसूर वाक्य है हर रात खुराक की गठड़ी लेकर खामोशी से वो उन नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाने का ख़तरा मोल लेती जिसमें गारसूर वाक्य है वेंचर खतरा मोल लेना शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स इन अकॉम्पलिशिंग द टास्क इस काम को सर अंजाम देने में उन्होंने हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा माइन्यूट डिटेल्स छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी छोटे छोटे नुकतों का ख्याल रखा उन्होंने एकम्पलिशिंग कम्प्लीट मुकम्मल करने में सर अंजाम देने में इस काम को सर अंजाम देने में उन्होंने हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट है फॉर हर टू ट्रावर्स द रॉकी पाथ पथरीले रास्ते पर चलना उनके लिए किस कदर मुश्किल रहा होगा ट्रावर्स चलना या गुजरना रॉकी पाथ पथरीला रास्ता एट नाइट रात के वक्त विद द कांस्टेंट फेयर ऑफ बींग डिटेक्टेड मुसलसल देख लिए जाने के खौफ के साथ बींग डिटेक्टेड देख लिए जाना या पता लग जाना फेयर खौफ कांस्टेंट मुसलसल या मुस्तकिल, मुस्तकिल देख लिए जाने के खौफ के साथ रात के वक्त पथरीले रास्ते पर से गुजरना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन हिजरत की रात अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल द ट्राइबल चीफ ऑफ द काफिरों के कबीले का सरदार अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेड टू वर्ड्स हज़रत अबू बकर होम बहुत ज़्यादा शदीद गु़स्से की हालत में हज़रत अबूबकर सदीक रज़ील तौ के घर की तरफ गया टू वर्ड्स to, की तरफ गया अब हज़रत अबूबकर सदीक सोम हज़रत अबूबकर सदीक के घर में घर की तरफ इना फिट ऑफ़ फ्री मतलब बहुत ज़्यादा शदीद ग़ुस्से में ही बिगेन टू नॉक ऐट द डोर वायलेंटली उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया Violently, शिद्दत से या ज़ोर ज़ोर से ये कुछ सेंटेंसेस हैं मुर्गियाँ अंडे देंगी hens विल ले eggs। मैंने मिक्स करके बनाए हुए हैं तमाम ते मतलब दो तीन टेंसेज के मिक्स ये। चाँद रोशनी दे रहा था द मून वॉज़ गिविंग लाइट क्या वो सुबह से तेज़ दौड़ रहा था हेड ही बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग वो छः साल से पढ़ रही थी शी हैड मिन रीडिंग फॉर सिक्स यर्स वो एक घंटे से सेब खा रही होगी शी विल हैव बिन ईटिंग एप्पल फॉर वन आवर तुम अपना वक्त ज़ाया कर चुके हो यू हैव वेस्टेड योर टाइम मैं शाम से नहीं सो रही हूँ आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग अब आपने करना यह है कि ये जो जैसे मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं तो इनमें से आपने जैसे मैंने ये पांच छह फिक्रे बनाए हुए ऐसे ही बना के आपने रिटर्न होमवर्क के तौर तो पे स्कूल में सबमिट करवानी और साथ में आपने चैप्टर की जो है ना एक्सरसाइज रिवाइज़ करनी है पूरी क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे जैसे ही आप लोगों का स्कूल रीओपन होता है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह